कहाँ जान सब हट गए। अम्मा ये वाला रूम है बनवा रहे थे, ये पहले कितना खटरा था और अब सही है। हाँ आपको सही है। हाय फ्रेंड्स, सलाम अलैकुम। ठीक हो? घर के हाल देख रहे हो कितने बुरे पड़े इस वक्त। तो अच्छा तो बन रहा है। रिजा देखो इधर, क्योंकि सनी भाई ने सोचा है और हमने सोचा है कि रमजान में बालकनी का हम यहाँ पे डेकोर करेंगे, रमजान स्पेशल की यहाँ पे बैठ के बेटी खाला पढ़े खाए और यहाँ पे पूरा कालीन बिछा के सब, तो उसके लिए कबूतर गंदा कर जाते थे। हाँ ये लगवाया। अच्छा हम जाने लायक नहीं है उतना जो एरिया है, कुरान शरीफ रखने वाला, नमाज रखने वाला, इतना पूरा, इतना बहुत है ना, बहुत है। दो लोग आराम से, तीन लोग बैठ पढ़ लें बैठ के। बाहर से बालकनी भी खोल सकते, ऊपर वहाँ पे कुरान शरीफ सब कुछ आ जाएगी, इतना ये खुला रहेगा, जाली लग जाएगी। बहुत अच्छा। मैंने अपने घर में काम स्टार्ट करवा दिया है और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, सब रमज़ान के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी कर रही है, मतलब कि सब अपने रमज़ान मुंबई में ही करने वाली हैं। और साथ ही आप देख रहे हैं कि सबा ने नमाज के लिए भी एक अलग पोर्शन बनवाया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जिस तरह शोएब भी नमाज रूम बनवा रहे हैं, बनवाया है शोएब ने भी, इसी तरह सबा और सनी ने भी अपना एक नमाज के लिए अलग से जगह बनवाई है, जो कि बहुत ही स्पेशल चीज़ के लिए उन्होंने ये किया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज का वीडियो हम पर एंड करते हैं गाइस। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। फाइनली क्या लुक होने वाला है रूम का और घर का, वो हम आपके लिए अपडेट जरूर लेकर आएंगे।